सो गाइस आज हम बात करेंगे अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म भोला के एक बिगेस्ट सरप्राइज के बारे में। जी हां गाइस, तो अजय देवगन ने अभी तक उस सरप्राइज के बारे में रिवील नहीं किया। वो गाइस आप लोगों को पता है कि इस मूवी में हमें अभिषेक बच्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन गाइस सभी को ये मालूम है, ये पता है। जी गाइस, लेकिन गाइस अभिषेक बच्चन के अलावा भी इस मूवी में बहुत ही बड़ा सरप्राइज अजय देवगन ने पूरी तरह से रखा है और किसी को भी रिवील नहीं किया गया। जी गाइस, तो ये सरप्राइज हमें क्लाइमैक्स के टाइम पर देखने को मिलेगा और वो सरप्राइज बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एंड अजय देवगन के फैंस के लिए। जी गाइस, तो एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार इस मूवी में हमें देखने को मिल सकता है। आपको अंदाजा लग गया होगा, चाहे तो अक्षय कुमार या फिर सलमान खान। जी गाइस, तो सलमान खान की ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही है कि इस मूवी में सलमान खान का दमदार एक कैमियो होगा और अजय देवगन ने इस मूवी के सेकंड पार्ट की भी पूरी तरह से तैयारी कर दी, क्योंकि गाइस अजय देवगन को पूरी तरह से इस मूवी पर कॉन्फिडेंस है और अजय देवगन ने बनाई इस लेवल की ये मूवी की फैंस को ये मूवी निराश नहीं करेगी, पूरी तरह से पसंद आएगी। जी हाँ गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट की भी अजय देवगन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में वो बड़ा सुपरस्टार देखने को मिलेगा जो कि इस मूवी के अंत में हमें दिखाई देगा। जी हाँ गाइस, तो अब ऐसी सस्पेंस क्रिएट करेगा अजय देवगन इस मूवी में क्लाइमैक्स की सीन पर, जो कि सेकंड पार्ट के लिए मजबूर हो जाएगी फैंस की, अब तो जाना ही जाना। जी हाँ गाइस, तो जो सेकंड पार्ट आएगा तो पूरी तरह से धमाका और बहुत ही खतरनाक एक्शन लेवल पे आएगा, जो कि भोला से भी डबल लेवल का होगा, वो हो सकती है गाइस सलमान खान का। जी हाँ गाइस, तो देखना दिलचस्प होगा अब इस मूवी में वाकई में सलमान खान है या फिर नहीं है। जी हाँ गाइस, कुछ दिनों पहले ट्रेंडिंग भी हुआ था कि अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म भोला में कोई ना कोई बिगेस्ट सरप्राइज अभिषेक बच्चन के अलावा। जी हाँ गाइस, तो प्रयास यही लगा जा रहा है कि सलमान खान हो सकते हैं या फिर कोई और। जी हाँ गाइस, तो कमेंट सेक्शन में बताएं तो आपको कैसा लगा ये वीडियो।